हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अब मैं बहुत दिन बाद आप सबसे मिल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रही थी। मुझे बनाने का मन तो बहुत कर रहा था गाइस, पर वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो मैं नहीं बना रही थी। गाइस, आप लोग क्यों मेरी वीडियोज़ नहीं देखते हो? गाइस, मैं क्या इतना बुरा वीडियो बनाती हूँ जो आप नहीं देखते हो? और ये देख सकते हो, ये मेरी नहीं सॉरी ये मेरा टिबका है, इसका नाम टिबका रखे हैं हम लोग, और ये लड़का है। और गाइस, मैं इतना कोशिश कर कर के हार गई हूँ। गाइस, आप लोग मेरा वीडियो क्यों नहीं देखते हो? क्यों स्किप कर देते हो या फिर स्वाइप करके पार कर देते हो? गाइस, मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ। गाइस, बताइए आप लोगों को किस तरह का वीडियो देखना है, मैं उसी तरह का वीडियो बनाऊंगी। गाइस, और आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं साग बनाने वाली हूँ। तो आज मैं क्या करूँगी ना कि मैं दो तीन साग को एक साथ मिक्स करके बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं, मेरे घर वालों को वो पसंद आता है कि नहीं, ये तो साग बनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि साग कैसे बनाते हैं। और आइए अभी आपको दिखाते हैं कि मैंने कौन कौन सा साग लिया है। ये देखिए, ये मैंने पालक लिया है, ये मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ। और ये है बथुआ का साग, इसे भी मैंने बाज़ार ख़रीदा है, क्योंकि मेरे घर में बाड़ी नहीं है गाइस, और कोई साग सब्जी लगाने वाला भी नहीं है इसी वजह से। और ये है मेथी का साग, ये देखिए मैंने मेथी के साग का मात्रा कम इसलिए लिया है क्योंकि ये हल्का तीता होता है टेस्ट में, तो ये बाकी साग का टेस्ट ना ख़राब कर दे, इसी वजह से इसे मैंने थोड़ा सा कम लिया है। तो अभी मैं इसे चुन लूँगी, उसके बाद धो लूँगी। तो चलिए चुनते हैं, आप लोग भी आइए और मेरे साथ चुन दीजिए। मम्मी अपना सारा एक्सपेरिमेंट का ट्रायल मुझ पर ही करती है, तो आज भी वो अपना एक्सपेरिमेंट का ट्रायल मुझ पर ही कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि मम्मी का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है या फिर फेल हो गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें। ये देखिए, अभी मैं साग चुन रही हूँ, और ये जो है टिबका, ये हमको बहुत हलाता है, साग चुनते समय बार बार आ जाता है खाने के लिए। तो इसके लिए हम एक छड़ी रखी है गाइस, तो ये जैसे ही साग खाने के लिए आता है वैसे ही उसको ऐसे मार देते हैं। अरे बाप नहीं, कट कट। तो देखिए गाइस, मैं अभी साग चुन रही हूँ, और ये देखिए ये दोनों भाई बहन आ गए हैं मुझे परेशान करने के लिए, और ये मेरे साग को उठा उठा ले जाके और खाने लगते हैं चोरी कर करके। हम एक तो छड़ी रखे हैं इन लोग को डराने के लिए गाइस, पर ये लोग डरता नहीं है। चल ज़्यादा अभी देखिएगा, हम छड़ी रखेंगे और फिर से आ जाएगा ये। देखिए गाइस, देखिए कितना परेशान कर रहा है हमको ये लोग। ये लोग भी, ये लोग को खाना दे चुके हैं फिर भी लोग बदमाशी कर रहे हैं। ये लो खाओ, तो गाइस मेरा साग चुना हो लगभग हो चुका है। ये देखिए, अब बस थोड़ा सा इतना बचा है चुनने के लिए। देखिए मैंने सारे साग को चुन लिया है, और अब मैं इसे धो लूँगी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ गाइस, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ गाइस, मैं वो पहले सीखती हूँ, फिर जाके मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, क्योंकि ये इस सारी रेसिपी में से मुझे पहले खुद कुछ नहीं आता, पहले मैं सीखती हूँ, या तो मम्मी को फ़ोन करती हूँ या फिर किसी और को फ़ोन करके पूछती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ गाइस। तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। और तो चलिए देखते हैं कि मेरा ये आज का एक्सपेरिमेंट सफल होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, पानी से धो लूँगी, तो ये बाल्टी भरने देते हैं, तब तक मैं एक जालीदार टोकरी लेके आती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है जालीदार टोकरी, इसको हमारे भाषा में मोनी बोलते हैं। और ये बांस का पेड़ जो होता है ना, उसी से पतला पतला लकड़ी निकाला जाता है,
और फिर ये उसी से बुना जाता है। तो ये बांस की बुनी हुई टोकरी है, जालीदार टोकरी, और इसे हम लोग मोनी कहते हैं। तो ये देखिए बाल्टी में पानी भर चुका है। साग को अब हम अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें बालू और मिट्टी लगा ना रहे, नहीं तो खाते समय दांत में लगता है। अच्छे से धो लेंगे हिला हिला के। पहले हम थोड़ा टोकरी को भी धो लेते हैं, क्या पता इसमें भी यदि गंदगी हो। तो मैंने टोकरी को भी धो लिया है और अब मैं इसमें साग को छान लूँगी। जालीदार टोकरी का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो देखिए खुद ही नीचे से निकल जाता है। और हम लोग के पास गांव में बांस की ही बुनी हुई टोकरी मिलती है। आजकल शहर में तो स्टील का भी आ गया है और प्लास्टिक का भी, पर हम लोग गांव में बांस का ही बुना हुआ टोकरी का प्रयोग करते हैं। ये देखिए पानी इधर से कैसे निकल जा रहा है। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। ये देखिए मैंने साग को बारीक टुकड़ों में काट लिया है और मैंने इधर गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया है तेल गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक सूखी मिर्च और फिर अब हम इसमें कटे हुए साग डाल देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसे कुछ देर के लिए ढक देंगे। मेरा साग बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। बस कोई बात नहीं, तो देखते हैं कि मेरा मिक्स साग का एक्सपेरिमेंट सफल होता है या नहीं। साग बन के तैयार हो चुका है तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाने के लिए निकाल लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है या नहीं। बहुत ही टेस्टी है गाइस, आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। गाइस साग जो है बहुत टेस्टी लग रहा है और गरम गरम चावल के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इसे अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि कितना टेस्टी और हेल्दी फूड है। तो गाइस हमारा साग का एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।